दोस्तों आजकल ज़्यादातर जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं अपने सभी इंपोर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ही सेव करते हैं, जैसे फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सभी फाइलें अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ही सेव करते हैं। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में कोई सी इंपोर्टेंट फाइल है जो गलती से आपसे डिलीट हो जाए या फिर कोई दूसरा उसे डिलीट कर दे, तो कंप्यूटर में डिलीट हुई फाइल को आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, अगर गलती से आपसे फॉर्मेट हो जाए या फिर पेन ड्राइव के अंदर कोई ऐसी फाइल है जो आपसे डिलीट हो जाए, तो उसे भी आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पेन ड्राइव और कंप्यूटर से डिलीट या फिर फॉर्मेट की हुई फाइल को कैसे रिकवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। दोस्तों कंप्यूटर में डिलीट या फॉर्मेट की हुई फाइल को रिकवर करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रिकुआ। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाली वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड फ्री वर्जन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक बटन दिया है फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक बटन दिया है डाउनलोड का। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों इसका प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आपको परचेज करना पड़ेगा। हम रिकवर सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करके भी डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, जिसके लिए यहाँ पे चला गया मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करना है यस, ये दिया हुआ इंस्टॉल का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल होते ही आपको यहाँ पे दिखा देगा सेटअप कंप्लीटेड है। यहाँ पर रन रिकुआ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। लास्ट में आएगा स्टार्ट बटन है। अब आपको यहाँ पर कैंसल बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव बने हुए हैं सभी ड्राइव आपको दिखा देगा, और साथ में अगर पेन ड्राइव लगा हुआ है तो पेन ड्राइव भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इस वाले सॉफ्टवेयर का यूज करके डाटा रिकवर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है इसमें से मैं कुछ फाइलें डिलीट कर देता हूँ। मैंने आप इस वाले सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दिया। यहाँ पे चला गया मैं दिस पीसी में, और ये दिया हुआ मेरा पेन ड्राइव है, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर यहाँ पे दो फोल्डर हैं, माय फोटोज और माय वीडियोज। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सभी मेरे फोटोज हैं, ये देखिए, और माय वीडियोज में इसमें दो वीडियो दिए हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को सेट करके राइट क्लिक करके और इसे कर देता हूँ मैं डिलीट। दोस्तों कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वो जाता है रिसाइकल बिन में। लेकिन कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हुआ है, अगर पेन ड्राइव से कोई डाटा डिलीट करेंगे ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं यस। पेन ड्राइव से दो फोल्डर मैंने हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। तो चलिए मैं आपको रिकवर सॉफ्टवेयर का यूज करके रिकवर करके दिखाता हूँ। ये दिया रिकवर सॉफ्टवेयर है, तो इसे मैं ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया यस। यहाँ पर ये जो पेज है इसे आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे आपके सामने ड्राइव सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट कर लिया मैंने अपना पेन ड्राइव है, और यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर दिया। स्कैन पे क्लिक करते ही जो भी फाइल हमने डिलीट किया है या गलती से डिलीट हो गया है तो यहाँ पे सभी फाइलें आपको यहाँ पे दिखा देगा, और ये दिखा देगा आपको पाथ है, ये जो फाइलें हैं डिलीट कहाँ से हुई है और कौन से फोल्डर से। तो इन सभी को रिकवर करने के लिए यहाँ पे मैं फाइल नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो सभी फाइलें एक बार में सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको सभी को रिकवर नहीं करना है तो आप यहाँ पर एक सिंगल फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देखने के लिए जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा देगा। तो मुझे यहाँ पर सभी फाइलों को रिकवर करना है, तो यहाँ पे मैंने फाइल नेम पे क्लिक करके और यहाँ रिकवर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आ गया है सेव करने का ऑप्शन, कंप्यूटर में कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया डेस्कटॉप पर। अगर किसी फोल्डर में करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेक ए न्यू फोल्डर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। मुझे करना है फोल्डर में, F2 प्रेस करके मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर माई इंपॉर्टेंट फाइल, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डिलीट की हुई फाइल को काफी फास्ट रिकवर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेकंड में ही हमारे सभी वीडियोज और फोटोज रिकवर हो गया। यहाँ पे क्लिक करना ओके पर। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे दिया मेरा फोल्डर, तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसे ओपन कर लिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरे फोटोज थे सब यहाँ पे रिकवर होके आ गए, और साथ में मेरा वीडियो भी। एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। मैं मेरा एंड्रॉइड फोन है हॉटस्पॉट करने, तो इसे कर देता हूँ मैं क्लोज। दोस्तों इसी तरीके से आपको कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव या पेन ड्राइव में से डिलीट की हुई फाइल या फॉर्मेट की हुई फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हैं रिकवर सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।